नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में टोटल 8 गाय है, HF क्रॉस नस्ल की गाय है, जो कि बिक करके गुजरात जा रही है। जिन्होंने खरीदी है उनका कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को सुनने को मिल जाएगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको 6 गाय 22 लीटर से 26 लीटर की देखने को मिलेगी और 2 गाय इसमें 30-30 लीटर दूध की है। पूरा दिन के दोनों टाइम का दूध जो है 30-30 लीटर दूध उन गायों में है। क्रॉस ब्रीड की और HF नस्ल की गाय है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो कंप्लीट डिटेल इनके बारे में आपको मिल जाएगी। जिन्होंने खरीदी है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इनकी यहाँ पर आकर के इनका अनुभव है, पहले भी उन्होंने गाय खरीदी है। तो आज की वीडियो में 8 गाय ये दिखा रहे सतगुरु डेयरी फार्म से। आज की वीडियो है, जो इनका एड्रेस है वो गांव इनका 19FF तहसील श्री करनपुर, जिला श्री गंगानगर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर इनके नीचे वीडियो में दिए गए हैं। परमजीत सिंह सर ओनर है सतगुरु डेयरी फार्म के। उनके जो लड़के हैं, बेटे हैं हसनप्रीत सर, उनका नंबर भी जो है वीडियो में दिया गया है। तो किसी भी नंबर पर आप इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। मेन काम इनका पशु दिलवाने का है। खुद अपने फार्म पर भी पशु रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पशु बाहर से ही किसान के घर से ही दिलवाते, जो इनकी डिमांड रहती, पशुपालक जो आते हैं तो उसी के ऊपर जो है ज़्यादातर ये गाय बाहर से दिलवाते, अपने फार्म पर जो है कम ही रखते, लेकिन रखते जरूर। इनके फार्म से अगर आप खरीदना चाहते तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। नमस्कार जी, मैं परमजीत सिंह काला भाई सतगुरु डेयरी फार्म से, गांव 19FF तहसील श्री कानपुर, जिला गंगानगर। और जैसा कि आपको रोज तकरीबन अपनी जो भैंस पिछले लोट में गई, 18 गाय मतलब अलग अलग जगह जाती रहती है गुजरात के अंदर। और आज ये भाई साहब जो मेरे पास बैठे हैं प्रवीण जी, ये लोनावाड़ा से आए हैं। पहले भी एक बार आ चुके हैं ये, और अब दोबारा गाय लेने आए हैं। और इनके थोड़ा मेरा नंबर निकल गया था, तो दोबारा ये यूट्यूब पे इन्होंने नंबर देखा। ये जो अपने वीडियो डाल रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि कोई जो नहीं मतलब अपने पास नंबर हो, जहाँ कहीं से आगे पीछे ना मिले, तो इसकी यही होता है कि इसमें नंबर मिल जाता है और आगे जो ग्राहक है वो हमारे साथ जुड़ जाता है और अच्छी गाय लेने के लिए उनको मिल जाती है। और भाई साहब ये जो इन्होंने मेरे पास बैठे, उन्होंने 8 गाय ली थी प्रवीण जी ने। और जो भाई साहब कल मतलब सुबह हम मेरे पास आए थे, तो कल ही तकरीबन इनकी गाय हो गई थी। जो आज 2 गाय रह गई तो आज करवा दी, तो आज इनका जो 8 गाय का लोट है वो लोड हो रहा है। तो मैं प्रवीण भाई जी से पूछना चाहता था कि आप जो गाय आपने जो ली 8 गाय, तो वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो गाय ली है वो यहाँ मेरे घर तक 55,000 की हुई है इनकी, जिसमें कि दलाली जो खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, छोटा जो पिकअप का और वैसा जिसमें खाना पूरा आ गया, लोकल टोटल खर्चा 55 की मेरे घर जो इनके घर 60 तक पहुँचेगी। जैसे आपने गाय देखी होगी, बहुत अच्छी गाय है, जिसमें 3-4 गाय तो 15 लीटर टाइम का मतलब पूरे दिन का 30 लीटर वाली है। और ये बिल्कुल बाजी रेट 55,000 में मतलब 53,000 में इनको गाय मैंने एवरेज से दिलाई है, और 2,000 जो मेरे दलाली जोड़ के या टोटल को खर्चा जोड़ के हो जाता है। तो आज की तारीख में बहुत बढ़िया गाय इनको मिली है। तो प्रवीण जी से मैं पूछना चाहता कि आप थोड़ा बताना कैसे लगा आपको गाय, कैसी लगी गाय? अच्छी है, 15-20 लीटर दूध वाली है एक टाइम का, अच्छी है गाय। और वैसे मैं ये है कि कल ये आए थे, थोड़ा इन्होंने सोचा कि भाई दूध निकाल के देखेंगे, तो सब ब्याही गई एक ही थोड़ी गब्बड़ ली है, दूध पूरा निकाला कल हमने खेडूत के घर पे शाम को। तो कई गाय ने जितना सोचा था उससे 4-4 लीटर ज्यादा दूध दिया, और जो हम जजमेंट कर रहे थे कि इतना दूध देगी। और आज भी जो अभी जो गाय दुई है इनके सामने दुई है, बहुत शान स्वभाव की टोटल गाय, और पूरा दूध दिया जितना हमने सोचा था। और आगे जाके भी इनके घर तक हमारी गारंटी रहती है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं करते कि जो भी गाय है वो ले लो, जो शांत स्वभाव की गाय हो और हाथ पैर आके गाय लेते हैं, मतलब जिसमें कोई दिक्कत ना आए आगे जाके इनको। और हर तरह की जिसकी पूरे आंचल सही हो, और इस वजह से मतलब अब जो गाय हमारा कहना है कि जो टाइम लग जाए लेकिन इनके घर तक पूरा दूध दे जाके, जो शांत स्वभाव की होती है तो आगे धोखा नहीं होता, और दुए कोई आदमी दुए उनको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा मानना यही है कि जो बाजी रेट है, बिल्कुल जो बाजी रेट है भाई साहब,
खुद भी बता रहे हैं कि बिल्कुल बाजी रेट जितना इन्होंने बोला उसी रेट में सही रेट हमने कर बिल्कुल उसी रेट में करवाई। और उसमें ये है कि जो ग्राहक आता है दूर से 1000 किलोमीटर से मेरे पास ग्राहक आता है तो वो सोच के ही आता है कि हमारी गाय थोड़ा मंदी जाएगी, तो इनको भी आजकल खेडूत है मंदे में चल रहा है, जमींदार किसान है जो वो थोड़ा मंदे में है क्योंकि दूध का भाव भी नहीं है, तो हमारे से जितना भी हो सकता है हम उसी रेट में करवाने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा खर्चा कोई भी नहीं है हमारे घर पे। आने वालों को यही बता रहा हूँ कि वैसे 1500 रुपया हमारा जो दलाली का खर्चा है वो है और 500 लोग का ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जो मतलब कहीं से ले ली, इधर गांव से ले ली, उधर गांव से ले ली, यही खर्चा है। और घर पे रहना चाहे 2 दिन रहो 3 दिन रहो कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि हमारा गांव के अंदर ये अपना गांव है और गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि होटल में रोटी खाएं और मेरे घर पे व्यवस्था की होती है और उसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं देना। और फील्ड के अंदर घूमना है तो जैसे कमरा किराया लेंगे, शहर के अंदर कोई भी खेडूत मेरे पास आता है तो बहुत महंगा पड़ता है, 2-2, 3-3 हजार का, में से 4 आदमी 5 आ गए तो 2 हजार का एक रूम हुआ तो रोज का 5-7 हजार का खर्चा हो गया, वो भी आदमी का बच जाता है। और साथ में तो हमारे तो रिलेशन है गुजरात वालों से पुराने, तो सब कुछ मेल मिला के यही होता है कि खेडूत को खर्चा ज्यादा ना हो और इनके घर पे बढ़िया गाय जाए। जो इनका अनुभव है, जो उन्होंने जानकारी दी, आपने सारी बातें जो है देखी और सुनी। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको जो गाय इन्होंने खरीदी है वो एक एक गाय चला करके दिखाई जाएगी। हालांकि वीडियो में पहले भी परमजी सर ने भी जो है डिटेल लगभग बता दी है गायों की, किस प्राइस रेंज की गाय है, कितनी दूध क्षमता की गाय है, HF और HF क्रॉस ब्रीड की गाय है। आप किसी भी समय इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, रहने खाने की सुविधा इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे जो है यहाँ पर खाने पीने का नहीं लगेगा। तो आपकी बचत ही अगर किसी होटल में रेस्टोरेंट में अगर आप रुकते हैं तो उसका खर्च जो है आपको ज़्यादा पड़ जाता है। इस वजह से जो है इन्होंने रहने खाने की सुविधा पशुपालकों के लिए अपने फार्म पर ही की हुई है। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका फार्म है और इसी पर जो है इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। तो आप किसी भी समय इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, अच्छा पशुधन जायज़ कीमत पर आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा जो उन्होंने कीमत बताई है, इसमें 6 गाय 22 लीटर से 26 लीटर दूध की है और 2 गाय इसमें 30-30 लीटर दूध की है। इनकी एवरेज कीमत इनके घर तक, जिसमें कि इनकी जो दलाली है, जो छोटे मोटे गांव से गाय इकट्ठी की, उनका जो किराया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, छोटा जो पिकअप गाड़ी में इकट्ठे करते एक दो दो गाय, और उसके ऊपर जो इनका एवरेज कीमत आई है इनके घर पर आने के बाद वो 55,000 रुपये इनके घर तक आई है। सतगुरु डेयरी फार्म तक, किसान के घर से सतगुरु डेयरी फार्म तक 55,000 रुपये में एक गाय इनके घर पर पड़ी है। अब जो ये आगे जाएगी गुजरात तो उन पर जो है 5,000 रुपये एक गाय पर और जो है ट्रांसपोर्टेशन खर्च अलग से आ जाएगा गुजरात पहुँचने तक। तो पशुपाल के घर तक जो 60,000 रुपये में एक गाय पहुँच जाएगी, बाकी गाय आपको चला करके दिखाई जाएगी। अभी एक गाय चला करके दिखा भी रही है तो आप देख सकते हैं इस तरह की गाय, इतनी दूध क्षमता की गाय, ये क्वालिटी है गायों की। ये आपको श्री गंगानगर राजस्थान से गुजरात आपके घर तक 60,000 रुपये में अगर इस तरह की गाय आप खरीदना चाहते हो तो 60,000 रुपये पर गाय के ऊपर आपको खर्च आएगा। इस तरह की अगर आप गाय खरीदना चाहते हैं, दूध क्षमता 22 लीटर से 26 लीटर है, 6 गायों में 2 गायों में 30-30 लीटर दूध क्षमता है, इस तरह की अगर आपको गाय खरीदनी है तो इस तरह की जो है प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलेगी। तो आप खरीदने के इच्छुक है तो इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा दूध की अगर आपको चाहिए, आपको 30-35-40 लीटर दूध की गाय चाहिए या आपको सिर्फ 18-20-22-25 लीटर दूध तक की गाय चाहिए, तो हर तरह की गाय की अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके अच्छे तरीके से जाँच परख करने के बाद आप यहाँ से गाय खरीद सकते हैं जायज़ कीमत पर। 2400 घंटे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है, जहाँ जहाँ इंडिया में भारत में अलाउड है वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपको मिल जाएगी। जहाँ भी जिस राज्य में आप ले जाना चाहते हैं आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जांच परख करने के बाद आप यहाँ से गाय खरीद सकते हैं। दुधारू भैंस अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इनके द्वारा खरीद सकते हैं सीधा किसान के घर से। मोबाइल नंबर इनका नीचे वीडियो में दिया गया है, जिनका एड्रेस है वो विलेज 19FF तहसील श्री करणपुर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान। मोबाइल नंबर इनके नीचे वीडियो में दिए गए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी पशुपालक भाई इनसे पशु खरीदता है 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करने की सुविधा इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी, रहने खाने की सुविधा भी इनके फार्म पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी पशुपालक भाई लेना चाहता है इनके फार्म पर विजिट कर सकता है।
आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी पशुपालक भाई इस तरह का अच्छा पशुधन खरीदना चाहता हो इनसे संपर्क कर सकता है और अच्छे तरीके से जाँच परख करने के बाद आप यहाँ से गाय वैसे खरीद सकते हैं। मेन काम इनका पशु दिलवाने का है, 20-22 सालों से दिलवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा दुधारू पशु जायज़ कीमत पर आपको ये दिलवा देंगे, तो आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से जांच परख करने के बाद आप यहां से पशु खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों का राम राम।